तेरा बाप ते इनाम तेरे खून जाता होगा। नहीं, उसे पुलिस क्या रोकेगी? आपकी सही बात क्या? मेरे पास क्यों आए हो? पीछे करो। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमारी जान बचा दी। आप लोग फिक्र न करें, अब ये लोग 5 साल से पहले बाहर नहीं आएंगे। शुक्रिया। इंस्पेक्टर देसाई, इन दोनों को ले जाकर हवालात में बंद कर दो। चला 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 चला। बॉस वर्मा साहब, आपके ब्रेन का जवाब नहीं, क्या स्कीम बनाई है? कहीं चोट तो नहीं आई? अरे भाई, चोट आए और सी करे तो फिर वो पुलिस में ही क्या होगा? ये सब छोटे मोटे तो घर जाकर याद आती है। आज मैं आपको घर नहीं जाने दूंगा। आज रात का खाना तो आप मेरे साथ खाइए। भाई जरूर खाता, लेकिन वो मेरा बेटा है ना राम, आज उसका बर्थडे, और जब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगा वो केक नहीं काटेगा। भाभी मेरा ख्याल है वो ड्यूटी में फंस गया होगा, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हम ही लोग शुरू कर दें। लो बेटा काटो।
अंकल लेकिन डैडी तो नहीं आए। अरे पर हम लोग तो सब हैं, बोलो बेटी। राम कार्टून नहीं गीता, जब तक डैडी नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगा। बड़ा ही जिद्दी लड़का है। इसका डैडी भी बहुत जिद्दी है। आओ बलदार आओ, ये आने का वक्त है। अरे भैया तुम अपना चश्मा बदल लो, आंखें और कमजोर हो गई हैं। ये दिखाए दो, बिल्ले नहीं नजर आते। अरे ये लड़ाई शुरू करने का बहुत गलत है, पहले केक कटवा दीजिए। हाँ। भारू तुम कैंडल जला, यू तो ऐसे ही करता रहेगा। अच्छा अच्छा। बुझाओ बेटा बुझाओ, इसको बुझाओ। क्या बात है वल्लभ, चलाया वहां से? अरे रंग कभी का पड़ गया? कुछ नहीं, वो मोटरसाइकिल तेज ला रहा था, स्किड कर गई, चोट लग गई। अरे खून निकल रहा है। हाँ। मैं भाभी को बुलाता हूँ। अरे सुन सुन, नहीं राम की बर्थडे पार्टी खराब हो जाएगी, जरा आईडी दे दे मुझे। किधर? वो सामने पड़ी। कैसा पुलिस वाला चल रहा था, चुप फुटबॉल फुटबॉल। एक बात कहूं, देख तो दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। हवलदार हम यार से और कुछ कैसे बन जाए? क्या मतलब? अरे मेरे ये ये लो साहब, आज आपके लिए अनारकली गजरा लाया। अगरवासा की रानी भी यही गजरा बांधती थी। क्यों बे, आज भाव बढ़ा दिया क्या? नहीं साहब, आपके साथ भाव बढ़ा के मरना है क्या? आप पैसा भी मत दीजिए। क्यों बे? एक बात पूछो साहब। पूछ। माझी गजरा बांध के कैसे लगती है? अबे तेरा हाथ पर देखता ना तो गज खा जाता। साहब लगता आप माझी से बहुत प्यार करते हैं। ये ले। ये क्या साहब? आइंदा मुझे गजरा अनारकली के नाम से नहीं देना। समझ गया साहब, माझी के नाम से दूंगा। कुछ भी हो जाए आप गजरा लाना कभी नहीं भूलते। जब तक जान में जान है तब तक तो गजरा लाना नहीं भूल सकता। और फिर मेरा दुनिया में है ही कौन, तुम और राम शांता। यह साबित हो चुका है कि चांद पर आबादी नहीं, लेकिन मेरे इस चांद में मेरे अरमानों की पूरी दुनिया आबाद है। मैं जब राम को देखता हूं तो मुझे अपनी जिंदगी की तस्वीर नजर आने लगती है। राम बड़ा होगा, मुझसे भी बड़ा, बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। चल बे। एक रुपए प्लेंग। क्यों बे साले, बाप से हेरा फेरी। जानता नहीं किसका बेटा? जानता हूँ, पुलिस वाले का है। हेलो, छुट्टी हो गई है, राम को भी लेकर चलो। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते मास्टर। सही है, लखनऊ से कब आए जी? आपकी बहन की तबीयत अब कैसी है? राम को स्कूल कब भेजेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं, राम स्कूल नहीं आया जी? वो तो पिछले 15 दिन से नहीं आ रहा, कह रहा था कि आपकी बहन की तबीयत ठीक नहीं, आप लखनऊ के हुए हैं। बताता क्यों नहीं, 15 दिन स्कूल से कहाँ गायब रहा तू? बोल बोल, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम चुप रहो जी, मैं जिंदगी में एक बार भी अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर नहीं रहा, और ये 15 दिनों से स्कूल से गायब है। बोल कहाँ रहता था तू, क्या करता था? तो ये नेक काम कर रहा था तू, जुआ खेलकर माँ बाप का नाम रोशन करेगा, इंस्पेक्टर का बेटा और जौहरी बनेगा। बोल फिर कभी ताश को हाथ लगाएगा? माफ कर दीजिए ना, पहले से कहो कि माफी मांगे, अब कसम खाएगा आइंदा कभी ताश को हाथ नहीं लगाएगा। माफी मांग ले बेटा, माफी मांग लेना, माफी मांग ले बेटा, मांगता क्यों नहीं? जब तक ये माफी नहीं मांगे इसे पानी तक नहीं मिलेगा।
चलिए खाना खा लीजिए। राम अभी तक भूखा है ना? आप ही ने तो कहा था कि उसे कुछ खाने पीने को नहीं देना। अरे मैंने कहा था, लेकिन तुम कैसी औरत हो जो बाप बेटे दोनों को भूखा रखा हुआ है? इसीलिए तो कह रही हूँ कि अब आप खाना खा लीजिए। इसका मतलब है तुमने राम को खाना खिला दिया? हाँ, क्या करूं, मां जो हूँ। राम सो गया? हाँ, बड़ी मुश्किल से रोते रोते सोया है। एक बात कहूँ? बोलो। आप इतना क्रोध न किया कीजिए। अरे मैं जानबूझकर क्रोध कहाँ करता हूँ शांता। राम ताज के पत्तों से नहीं, मेरे प्यार से जुआ खेल रहा है। राम, राम, क्या बात है राजू? उस सुंदर के बच्चे ने मेरे सारे पैसे छीन लिए और कहता जा बुला ले अपने राम को। उसकी ये हिम्मत, चल मैं आता हूँ। चल। अबे आ, इसका पैसा दे। नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं। अरे तुम, इंस्पेक्टर वर्मा का लड़का। अभी कह रही थी कि क्रोध मत किया करो, इतनी ढेर सी मिर्ची खिला दोगी तो क्रोध तो आएगा ही। आपको मिर्ची पसंद क्यों है? चैन से खाना भी नहीं खाने देते, अच्छी मुसीबत है। यस इंस्पेक्टर वर्मा। सर मैं माथुर। सर कुछ लड़के पकड़े गए हैं, दंगा फसाद किया था, उनमें आपका लड़का भी है। मैं अभी आता हूँ, दरवाजा बंद कर लो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? खाना तो खा लीजिए ना। तुम्हारे बेटे ने मेरा खाना पीना सोना सब हराम कर दिया। क्या कह रहे हैं आप, वो तो अपने कमरे में सो रहा है। उसे बाप के घर में नींद नहीं आती, हवालात में आराम कर रहा है। क्या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वो लड़का कहाँ है जिसको चोट आई? हॉस्पिटल में सर। इसको अंदर बंद क्यों नहीं किया? दूसरे सब लड़कों को बंद किया है सर, ये आपका। क्योंकि ये मेरा बच्चा है इसलिए। जी, कानून सबके लिए एक जैसा होता है। इसको तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। चल। राम कहाँ है? साफ साफ बताइए कहाँ है राम? जहां बदमाश बच्चे अच्छा बनने के लिए रखे जाते हैं, मैं उसे चिल्ड्रन होम में छोड़ आया। चिल्ड्रन होम में? ये क्या किया आपने? इसके सिवा कर भी क्या सकता था? जानती हो आज उसने क्या किया? एक लड़के का सर फोड़ डाला, कल किसी का खून कर देगा। उसको प्यार से समझाना चाहिए था, एक ही तो बच्चा है, भगवान के सामने न जाने कितने दिए जलाए थे, तब कहीं जाके एक चिराग पाया है। और इस चिराग को रोशन रखने के लिए तेल की जगह हमें अपना खून जलाना होगा। क्या राम चिल्ड्रन होम की दीवार कूद कर भाग गया? दीवार कूद कर भाग गया, लेकिन मुझसे भाग कर कहां जाएगा? मैं उसे गोली मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धर्मदास डर गए? मगर क्या करें यार, लुटेरों को लूटना अपनी आदत है। रत्ना सेठ, जिस तिजोरी पर राजा की नजर पड़ती है वो बंद नहीं रह सकती। अभी तक पुलिस की कोई हथकड़ी नहीं बनी है जो राजा को गिरफ्तार कर सके। कई पुलिस ऑफिसर राजा को गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुके हैं, लेकिन आज ये काम
एक ऐसे लायक पुलिस ऑफिसर के सुपुर्द किया जा रहा है जिनके नाम से बड़े बड़े डाकू खतरनाक मुजरिम कांपते हैं, और वो है हमारे डीएसपी वर्मा। मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों खतरनाक मुजरिमों को गिरफ्तार करने में जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू सर, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर कि जनता में दहशत फैलाने वाले इन मुजरिमों को मैं मिटाकर ही रहूंगा। रात को जो माल हमने लूटा बॉस के हुक्म के मुताबिक, उसमें से मैं तुम लोगों का हिस्सा बांट रहा हूँ, तीन तुम्हारा, तीन और ये मेरा। लेकिन कुंदन राजा का हिस्सा कहाँ है? कौन राजा, कैसा राजा? जब राजा आता है तो प्रजा खड़ी हो जाती है। नहीं दार्जिलिंग, अब तो मैं तुमको दिल की रानी बनाऊंगा, सारी बंबई तेरे नाम पर लिख दूंगा। क्यों सेठ, आज अपनी बेटी को साथ में लाए हो? राजा, ये तो मेरे कर्म की पत्नी है, कर्म की। सेठ, वो कल वाली धर्म पत्नी क्या? राजा जाने देना, आज की बात कर आज की। Thank you.
कल हमारे आदमियों से जो तुमने माल छीना था वो मुझे वापस चाहिए, और आइंदा मेरे आदमियों की तरफ आंख उठाने की कोशिश की है तो तो कोई नहीं है। हाय डार्लिंग। हेलो सोनी। इंपोर्टेड विस्की और दरवाजा बंद करना, तुम्हारे इरादे मुझे नेक नजर नहीं आते। आज का दिन भूल गए? आज का दिन कैसे भूल सकता हूं। आज वो मनुष्य दिन है जिस दिन मुझ जैसा आवारा एक शरीफ खानदान में पैदा हुआ था। इस आवारा पर तो हम जान देते हैं, ये बिखरी बिखरी जुल्फें, ये बेचैन नजरें, ये गर्म होंठ। राजा सोनी, बिजनेस में तू मेरी पार्टनर है, इन सब में नहीं। कहते हैं कि हर लूट के माल पर राजा का नाम लिखा रहता है। राजा, इस माल पर अपना नाम कब लिखोगे? और फिर आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना? आज के दिन मेरे माता पिता मेरा बर्थडे कितनी धूमधाम से मनाया करते थे, कितना खुश होती थी मेरी माँ। माँ Happy birthday to our son. Gangaram. जी सर। ये केक मोहल्ले के बच्चों में बांट दो। बहुत अच्छा सर। Oh come on. बच्चे के बच्चे रोया नहीं करते। We celebrated. हम खुशी खुशी उसे दुआएं दें कि हमारा राम जहां भी रहे खुश रहे, सुखी रहे। बड़ा कीमती हार है। क्यों, मुंह में पानी भराया? क्या दाम लगाएगा? असली हीरे का है ये। 20,000 के नोट भी असली है। या सेठ, लाख रुपए के हार का सिर्फ 20,000 दाम लगाता है? ठीक है, हम कोई दूसरा सेठ ढूंढ लेगा। खैर जाता कहाँ है, पकड़िए 20,000 रुपए और भी माल देता हूँ। ये ले और 10,000 रुपए, अब तो खुश हो गया ना सेठ। जो माल सीधी उंगली से नहीं निकलता, हम उसे टेढ़ी उंगली से निकाल देते हैं, समझा? अरे वारे मेरी लक्ष्मी मैया, तूने तो आज मेरे वारे न्यारे कर दिए। राजा, मैंने अपना कमाल तो दिखा दिया, तुम अपना कमाल दिखाओ। दिखा देते, ये लो और घर चलो, मैं अभी आता हूँ। लक्ष्मी मैया, वाह लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया, वाह लक्ष्मी। निकालो चोरी का हार। हार कौन सा? चोरी का हार जो अभी तुमने खरीदा, निकालो। ओ समझ गया इंस्पेक्टर साहब, समझ गया। ये विश्वास कोई मारते नहीं, चल ले जाऊंगा। 5 साल बाद मुझे कब कैद मिलेगी? चलो अभी चलो चौकी, आओ चौकी। ना अभी नहीं, चौकी आना रात को 12 बजे जमानत के साथ, समझे? अच्छा वाह लक्ष्मी मैया, खूब धोखा दिया मुझे। चलिए सर चलिए, तुम यही ठहरो। अरे लक्ष्मी भाई, तू मुझसे क्यों रूठ गई? ए, ए,
निकालो चोरी का हार जो अभी तुमने खरीदा था। जो भी आता है कहता है हार निकालो हार निकालो। अरे हार तो चला गया और मेरा दीवार हो गया। मैं कहता हूँ हार निकालो। अरे मैं तो लूट गया साहब, आपसे पहले एक इंस्पेक्टर आया था और वो हार लेकर चला गया। मुझे नहीं मालूम कि आप असली है या वो असली है, पर मेरा हार तो चला गया। राजा सोनी, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, चल जिसे कोई दूसरे कपड़े दो। अच्छा मिलो। हाँ थैंक यू। सर क्या है? यू इडियट ब्लडी फूल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। आई एम सॉरी मैम सर। गेट आउट। यस गेट आउट। गेट आउट। थैंक यू पार्टनर। नहीं 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 आप घबराइए नहीं, राजा को पकड़ना इतना आसान नहीं है। बाय बाय। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? हीरों का हार लेने आया हूँ। हीरों का हार? हीरों का हार तो जोहरी की दुकान पर मिलेगा। चोरी का माल जोहरी के दुकान पर नहीं, चोरों के घर में होता है। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। हवालदार जी साहब घर की तलाशी लो। अच्छा साहब कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला जी? अब ये कैसे हो सकता है? घबराइए नहीं इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ तो मुरली वाले के हाथ में है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, एक दिन सबूत के साथ पकड़ लूंगा, देखता हूँ मुरली वाला तुम्हें किस तरह बचाता है। गरम मत होइए इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए ठंडी बियर, ये आप गर्म दिमाग को ठंडा कर देगी। ड्यूटी पर नहीं पीते हो क्या? Shut up! Hands up! Hands up! मक्खी मैंने तो हाथ से मार दी और आपने रिवॉल्वर निकाल लिया। देख लूंगा। देख लेना। दिल्ली में था सर। थैंक यू। हैंड साहब मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूँ। लीजिए इंस्पेक्टर साहब। वो सब शर्ट तैयार हो गए? हम तो जवान के धनी हैं। मैं तुम्हें देख लूंगा। देख लेना। शागिर्दी करो बच्चे। जाइए अंदर। राजा तुम यहाँ क्या चाहिए? चुप, ज्यादा बोलेगा तो तेरी पत्नी को फोन कर दूंगा, फांडा फोड़ दूंगा। नहीं नहीं मेरी बहन को कुछ नहीं कहना, हम तो आपके पांव की धूल हैं। हम तो आपके पांव की धूल हैं। आप नहीं, ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, शायद अपनी पत्नी से भी ज्यादा अच्छा जानते हैं। किसे जी? हाँ इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो यहाँ के बेताज बादशाह है, जहाँ भी जाते हैं तो सब कुछ लेने। क्या जी? हाँ इनके आगे लोगों की जबान नहीं खुलती, जब इनका हाथ उठता है आशीर्वाद देने के लिए लोग जमीन चाहते। बहुत तारीफ कर रहे हैं आप मेरे, दरअसल जनता की सेवा करना मेरा धर्म है। आप समाज सेवक भी हैं? बस ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। क्यों से जी? हाँ हाँ
सेवा तो करते हैं मगर मेवा नहीं मिलता। सेठ जी आपने मेरी तो बहुत तारीफ कर दी, जरा इनकी भी तारीफ कीजिए ना। ये तो बहुत बड़ी समाज सेविका है। समाज सेविका? सच्ची समाज सेविका। सच्ची समाज सेविका। अच्छा अच्छा अच्छा। इन्होंने 500 कमीजें 500 निकरे झोंपड़पट्टि के बच्चों को दान किए हैं। 500? सिर्फ 500? अच्छा जी, मेरी तरफ से 1000 पेश कर देना और वो पैसे मेरे खाते में लिख देना। कौन से खाते? बताता हूँ। सेठ जी का फोन करना। नहीं नहीं, समझ गया मैं, समझ गया। राजा मैं समझ गया। अजी बस ऐसे से लोगों की मेहरबानी चाहिए। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जी। मुझे भी। आप दोनों मिले मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं एक हॉस्पिटल के लिए चैरिटी शो कर रही हूँ, आपके लिए कितने टिकट दूँ? सबसे महंगी टिकट कौन सी है? 500। हाँ तो बस ठीक है, 500 की 2 टिकटें आप मुझे दीजिए और 2 टिकटें सेठ जी को, और सेठ जी आप पैसे दे दीजिए मेरे खाते से। क्या कहा? कौन? ये लीजिए। जी शुक्रिया। आपके पैकेट गाड़ी में रख दिए। थैंक यू। ये सेठ जी कितने? अरे क्या कर रही हैं आप, ये तकलीफ मत कीजिए सेठ जी, ये भी मेरे खाते में। नहीं 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 नहीं, क्या बात है, धर्म धर्म की बात है। मेरे खाते। क्या कहा? अच्छा जी, नमस्ते। जी शुक्रिया। देखिए आप लोग ये झोपड़ा खाली क्यों नहीं कर देते? यहाँ पर हॉस्पिटल और स्कूल बन जाने से आपका और आपके बच्चों का कितना भला होगा? मैम साहब, अपन का तो कोई बच्चा है नहीं। अपन बीमार ही नहीं होते भाई। तो हमको मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस क्या, मिलिट्री को बुलवाइए ना, हम किसी से नहीं डरते। ठीक है, आप जाइए पुलिस को बुलाइए। नमस्कार। अरे आप यहाँ? बस यहाँ से गुजर रहा था तो ये तमाशा देखा, रुक गया। ये शैतान कहाँ से आ गया? हम लोग जनता के लिए एक चैरिटी हॉस्पिटल और स्कूल बनाना चाहते हैं। हाँ। सारी बस्ती तो खाली हो गई है लेकिन ये लोग नहीं मानते। अभी मान जाएंगे। भाइयों, मेरी आपसे विनती है कि आप ये जगह छोड़। देखो जिंदा रहे तो 10 घर और मिल जाएंगे, और जिंदगी नहीं रही तो ये झोपड़ा फिर किस काम? हाँ जी। मेरा मतलब तो आप समझ गए होंगे ना? समझी। और फिर इन हाथों ने आपकी बहुत सेवा की है, ये सेवाएं आप इतनी जल्दी कैसे भूल गए? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? माफी मुझसे नहीं, देवी जी से मांगनी चाहिए। अच्छा, देवी से मांगनी। कमाल है, आपने हाथ जोड़े और सब चल रही। मैंने इनकी बहुत सेवा की है इन्हीं हाथों से। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ, मेरी मुश्किल आपने आसान कर दी है। ये तो मेरा फर्ज था। मुझे भी जनता की सेवा करने का बहुत शौक है, लेकिन सेवा सेवा में जरा फर्क है। जानती हूँ आप गुप्त सेवा करते हैं। जी, मैं लोगों की नजरों में आना नहीं चाहता। क्यों, किसी की नजर न लग जाए? नजर तो शायद मेरी लगेगी आपको। राजा को तो मैं बाद में समझूंगा, पहले मुझे उस लड़की का पता चाहिए। बॉस, उसका चैरिटी शो होने वाला है, वहां लाखों रुपए जमा होंगे। चैरिटी शो? नहीं रे, सर दर्द। हाँ हाँ। बुखार? बुखार नहीं, प्यार। अरे उसके होते डॉक्टर आए, मुझे तो नहीं पसंद, मेरे दिल के रोग को जाने कौन जाने। हकीम तारा चंद, हाँ हकीम तारा चंद, जो रुपये मांगे पंज मेरे दर्द को सुने ये जाना। हाँ हकीम तारा चंद, जो रुपये मांगे पंज।
पैसे इनका पार्ट करने वाला आर्टिस्ट नहीं आ रहा है। मैं लुकमान हकीम का चेला, ओ मैं लुकमान हकीम का चेला, ओ मैं लुकमान हकीम का चेला, नुस्खे मेरे हजार तेरी दवा हिकमत में नहीं है, ओ तेरी दवा हिकमत में नहीं है, तेरा इलाज है प्यार। हाँ यार आया हूँ मैं करके तैयारी, आया हूँ मैं करके तैयारी, तेरी बीमारी समझ ली सारी, ओ मेरी प्यारी देखो कुछ बोलो, वाह वाह तुझसा मिले जो सुंदर रोगी, छोड़ के हिकमत बन जाऊं जोगिरी, तुझसा मिले जो सुंदर रोगी, छोड़ के हिकमत बन जाऊं जोगी, आंखों में तू डाल के आंखें कर ले आंखें बंद, बंद आंखों के अंदर तुझको मिले कटारा चंद, हाँ हाँ कीम तारा चंद। से बचा लिया, आपने मेरे ही नहीं बहुत से गरीबों की भी मदद की है। ये लो बेटी तुम्हारी मेहनत का फल, आज के शो की आमदनी 3 लाख से ज्यादा हुई, ये देखो संभाल के रखना। मैनेजर साहब इसे आप अपने पास ही रखें, सुबह पहुंचा दीजिए। नहीं बेटी तुम जनता की सच्ची सेविका और ये जनता की अमानत है, इसे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं रख सकता। चलो ये रहा सारा माल। ओ वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, बड़ा कमाल का काम किया तुमने बड़े। थैंक यू बॉस। चलो डेन में चलो। वेरी गुड कुंदन, तुमने कमाल कर दिया। बॉस माल के साथ खुशी एक बात की और भी। वो क्या? उस लौंडिया को भी सबक मिल गया कि हमसे टक्कर लेने का अंजाम क्या होगा। गरीबों के लिए अस्पताल बनाने चली थी। लगता है अब तक तो खुद ही अस्पताल पहुंच गई होगी। अस्पताल कौन जाता है, अभी हिसाब किताब कर देते हैं। तुम आ गए? मेरे आने का मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो सुंदर। हाँ अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ हिस्सा ना जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हिस्सा नहीं सारा माल चाहिए मुझे। सारा माल? अरे बच्चू तुमसे ये हजम नहीं होगा। ये माल कोई हज नहीं कर सकता क्योंकि ये जनता की अमानत है। इन रुपयों से गरीबों के लिए अस्पताल बनेगा। ओ,
लुटेरा भाषण दे रहा है, शैतान बाइबल पढ़ रहा है। सुंदर, मेरे पास वक्त नहीं है बहस करने के लिए, जल्दी करो। बहुत जल्दी है तुम्हें, मगर ये मत भूलो हमारे डन से हमारे मर्जी के बगैर कोई नहीं जा सकता। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ और अपनी मर्जी से ही बाहर जाऊंगा। शुक्रिया, मैं कैसे अदा करूं? कुछ समझ में नहीं आता। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा भाई कि कैसे अदा कर पाएंगे आप। खैर, एक कप चाय पिला लीजिए। भाई साहब, ये क्या हो गया? क्या हो गया हमको? बोलता क्यों नहीं? और बात क्या है हमको बताओ? कान भैया, मेरे पति को बचा लीजिए। कान भैया, इन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी? आप इन्हें बचा लीजिए, मेरे मासूम बच्चों का क्या हो गया? ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? उन्होंने कल रात को चंदू के अड्डे पे बैठ के शराब पी थी, और कुछ लोग चंदू के अड्डे पे रोज आके शराब पीते हैं, और वो खोपड़ी नाम की जहरीली शराब बेचता है, और यही रघु है जिसने खोपड़ी नाम की शराब पी थी। चंदू, वो किधर है चंदू का बच्चा? इधर है चंदू। कौन सी शराब पिएगा? हम शराब पीने वाले का मैयत में नहीं जाता है चंदू। ये शहर है जंगल नहीं, शिकार खेल रहे हो क्या? हाँ चंदू, शिकार तो हम शेर का करता है, तुम्हारे जैसे गीदर के लिए हमारा ये पंजा काफी है। पंजा जाने दो कान साहब, काय का मूड खराब करता है आप? ये हमारे धंधे का टाइम है, तुम जाओ। और तुम्हारा धंधा ही तो बंद करने के लिए आया उल्लू का पटा। एक तो तुम शराब का गलीज धंधा करते है, ऊपर से शराब के अंदर जहर मिला के बेचता है बच्चों लोग को। तुम जानता है तुम्हारी वजह से कितना लोग मरता है इधर? जबान संभाल के बात करो वरना। अच्छा, हमको तुम धमकी दे? तुम चंदू दादा के तो बराबरी कर रहे हो। जा, मुंह के देखो, मारो सारे को। बोल सुमर का बच्चा, कोई है तेरा हिमायती इधर? कोई है माइका लाल? हाँ है, मेरे इलाके में किसी की दादागिरी नहीं चलती खान।
चाचू, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली, तेरा सत्यानाश हो, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरे पति को मार डाला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्यों पिलाई तूने उसे जहरीली शराब? तुम इसका हिमायती है ना, अब इसको बोलो, बोलो इसको, रघु को अपनी जिंदगी वापस करने को बोलो, रघु को, रघु के साथ जितना इसका दोस्त है सबको जिनको नकली शराब पिलाते हैं। माफ करना दोस्त, मुझे मालूम नहीं था, मैं समझे तुम एक मवाली हो, बिना सोचे समझे मैंने एक नेक इंसान पर हाथ उठाया। तुम हमारा फिक्र मत करो, इस शैतान को सीधा करो जिसकी वजह से हिंदुस्तान के नौजवानों के रगों में जहर भर गए। आज से ऐसा ही होगा। और चंदू, आज के बाद तू शराब नहीं बेचेगा। आज से तुम हमारा दोस्त है, हमारा ब्रदर है, हमारे गले लग जाओ दोस्त, शेर का बच्चा है तुम, शेर का बच्चा। बिल्कुल बच्चों जैसी आदत है तुम्हारी, मेरे ना करने पर भी चाय मंगवाई, मेरी ड्यूटी का भी ख्याल नहीं। अंकल एक बात बताइए। पूछो। ये पुलिस वालों को ड्यूटी के सिवा कुछ और दिखाई पड़ता है? क्यों नहीं, तभी तो इतनी भाग दौड़ के बावजूद तुमसे मिलने चला है। अच्छा पहले ये बताओ कि वो फौरन से लफंगा कब आ रहा है? अंकल फिर शुरू हो गए। देखो वो तुम्हारे डैडी, मेरा तो दोस्त है, मैं जो चाहे कहूँ, लेकिन वो आ कब रहा है? परसों ही खत आया, जल्दी आ जाएंगे। तब से पहले मुझे बताना, मैं बैंड बाजे के साथ उसे लेने जाऊंगा। अंकल वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपको उस वक्त ढूंढूंगी कहाँ से, आप तो किसी चोर डाकू के पीछे घूम रहे होंगे। मैं तुम्हें अपना एक प्राइवेट नंबर देता हूँ, तुम मुझे टेलीफोन कर देना, मैं जहाँ भी हूँगा मुझे मैसेज मिल जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें भी कभी जरूरत पड़ जाए तो मुझे इसी नंबर पर टेलीफोन कर देना। क्या नंबर है, मैं लिख लेती हूँ? नहीं लिखने की जरूरत नहीं, बहुत आसान नंबर है, 544333। 544333, हाँ ये तो बड़ा आसान नंबर है। अच्छा अब चाय पी ली, अब जस्ट मिनट। क्या नंबर है? 544333। गुड, बाय बाय। बाय बाय। गीता की तारीफ तो बहुत सुनी थी, आज ताकत भी देख ली। कुछ ऐसे ही हाल रहा तो चमत्कार भी देखोगे। मैंने तुम्हें यहाँ गीता और रामायण का भाषण करने के लिए नहीं बुलाया, पैसे कहाँ? मेरे पास कोई पैसा नहीं, मुझे जाने दो। हाँ इतनी जल्दी नहीं, समाज की तो बहुत सेवा करती हो, हमारी सेवा नहीं करोगी? क्या मतलब? मैं चैरिटी शो के पैसे की बात कर रहा हूँ गीता, मैं अपने आदमी को भेजता हूँ, तुम अपने मैनेजर को लिख दो को उसे पैसे दे दे। नहीं वो जनता की अमानत है। मैं भी तो जनता में से एक हूँ, वो पैसा तुम्हें नहीं मिल सकता। जिसके हाथ में गीता हो उसे सब कुछ मिल जाता है। मैं तुम्हें अपना एक प्राइवेट नंबर दे, 544333। इतनी बड़ी रकम चिट्ठी लिखने से नहीं मिल सकती, इससे अच्छा है कि मैं मैनेजर को फोन करके बुला लेती हूँ। वेरी गुड, लड़की बहुत समझदार मालूम होती है, करो फोन। और हाँ, जब तक तुम्हारा मैनेजर यहाँ पैसे लेकर आए हम तुम्हारा नाच देखेंगे। हाँ हाँ सुना है बहुत अच्छा नाचती हो। डीएसपी वर्मा, मैं गीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो गीता बेटी, कैसी हो? देखिए मैनेजर साहब, वो चैरिटी शो के सारे रुपए इसी वक्त ले आइए। चैरिटी शो का रुपया? ये तुम क्या कर रही हो?
देखिए ज्यादा सवाल मत कीजिए, जल्दी से इस पते पर पहुंच जाइए। क्या पता है? हाँ पता है, अंबर महल। अंबर महल 28 फ्लोर निपियन सी रोड। लेकिन ये बात क्या है बेटी? हमारे आदमी की गिरफ्तारी गीता की मौत बन सकती है। भैया तो बाद में होगा रानी, पहले इन सबको एक एक प्यार का जाम तो पिला। जिसको चाहिए प्यार का जाम, बोले अपना अपना नाम। तेरा नाम गंगाराम और तेरा नाम जमुना दास। Thank you.
सीधा बेटे आ जाओ। कम ऑन हरी अप। शांता तुम कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही हूँ। पागल ना बनो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम बाहर जा रही हो। मैंने अपने बेटे राम को पाने के लिए व्रत रखे हैं ना। व्रत रख रख कर तो तुमने अपनी सेहत और खराब कर लिया। चलो वापस चलो। मेरा बेटा है मेरी सारी बीमारियों का इलाज है और आज मेरा आखिरी व्रत है। आज मुझे मत रोकिए। बैठो। देख लिया चौहान, बेटे के गम में उसकी क्या हालत हो गई है। और मैं पुलिस में होकर भी अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद राम का पता न लगा सका। काश मैं उसे ढूंढ कर उसकी माँ के कदमों में डाल सकता। यस सर, अभी अभी मालूम हुआ है कि राजा राम मंदिर में हीरों का हार चोरी करने आ रहा है। ठहरो चौहान, उस पैरूपियों को पकड़ने के लिए हमें भी कोई और रूप धारण करना होगा। अब तो मेरे बेटे से मुझको मिला दे। संभल गया, चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, सुखी रहो। भाई ये क्या कर रहे हो? अभी बताता हूँ महाराज, अभी बताता हूँ। हे भगवान, अंजाम साधुओं के शैतान हो। छोड़ दो मुझे। भगवान भक्तों पे गोले चलाओ। नहीं छोड़ूंगी। ये तुमने क्या कर दिया शांता? आप? मैं तुम्हारा पति। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप पुलिस रूप में? जब तुम्हें मालूम नहीं था तो मेरा हाथ क्यों पकड़ा? सर क्या हो गया? सर कुछ नहीं, राजा आज फिर हाथ से निकल गया। होया कुर्बान जमा पर खुदाए, जमा पर खुदाए होता बंद कसम दे। आन, बहुत शिकार किया है तुमने, आज अपना शिकार होते हुए खुद देख लो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ कुतलोग मिलके एक शेर नहीं बनते। ठहर जाओ, देखो हम अभी नमाज पढ़ के आए हैं, और जिस वक्त कोई खुदा का बंदा नमाज पढ़ के आता है ना, तो खुदा उसका अंदर इतना ताकत भर देता है कि उसके बाद वो तुम्हारे जैसा शैतान लोग को मसल के रख देते हैं। आओ, अगर तुम्हें ताकत है सुअर का बच्चा, तो आओ अल खान पे हाथ उठाओ। आओ Yeah!
भाग गए साले। देखो कैसे भाग। ओ, ओ तुम बच गए। कुछ नहीं दोस्त, तुम आज इस खान के लिए अपना खून बहाया ना, इस खून का कीमत हम अपने जिंदगी से एक दिन चुका देगा। कितना हो सरदार जी? 70 रुपया 60 पैसा बाबूजी। हेलो डैडी। हाय हाय गीता बेटी। अरे डैडी आप अचानक चले आए, ना टेलीग्राम ना लेटर। आने की बात नहीं थी बेटी, दौलत राम ने टेलीग्राम भेजा कि मेरी इकलौती बेटी की शादी नहीं होगी तो बड़ा दुख होगा। बचपन का दोस्त है, दिल का मरीज है, प्लेन में सीट मिल के चला। अच्छा किया आपने। अरे अंकल कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ। क्या देख रही हो? बैंड बाजा। क्या बैंड बाजा? बैंड बाजा। हाँ उस दिन तो आप बड़े जोर से कह रहे थे कि डैडी को रिसीव करने के लिए बैंड बाजा के साथ आएंगे। बेटी ये पुलिस वाले बिल्कुल 7:48 होते हैं, कहते कुछ और करते कुछ है। कोई बात नहीं, हवलदार आओ गले मिले। अरे यूरोप जाकर भी चश्मा नहीं बदलवाया, ये देख तीन है तीन। तीन का क्या मतलब हुआ हवलदार मेजर? अंक लोगों के लिए क्या भेजा? अरे इसके लिए गरम पानी, मेरे लिए विस्की। पुलिस वाला क्या विस्की पिएगा? अरे बेटी तुम गरम चाय भेजवाओ लेकिन खूब मलाई डालकर, ये लफंगा तो बोलता ही रहेगा। क्या खबर पार्टनर? पार्टनर एक खुशखबरी है। क्या? सेठ दौलत राम की लड़की की शादी है। एक लौती बेटी है और लाखों का दहेज है। कव्वाली का प्रोग्राम है, सुना है दिल्ली से कव्वाल आ रहे हैं। अब वो कव्वाल नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? वहाँ टेलीग्राम पहुँच जाएगा कि सेठ जी का देहांत हो चुका है, शादी कैंसिल। आइए शर्मा जी। थैंक यू। दौलत राम सिर्फ तेरी बेटी की शादी अटेंड करने के लिए मैं लंदन से चला आया। अरे तू क्यों नहीं आता? तू ही तो इस दुनिया में मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। हवलदार क्या बात है, शादी पर आया है यूनिफॉर्म पहन के? मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ। अच्छा अच्छा तो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। बात बात में जाए तुमसे क्या छुपाना, आज सुना है कि दातू राजा शादी में डाका डालने आ रहा है। घबराने की कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। ठीक है जब डाकुओं का बाप है मौजूद है, किस बात का खतरा? ना अब कोई खतरा ना अब कोई डर, ये बुड्ढा तेरे पास है जो दिल चाहे कर। अरे आना इधर। मेरे बुढ़ापे को तू कैश कर ले, मौका मिला है यारा ऐश कर ले। मेरे बुढ़ापे को तू कैश कर ले, मौका मिला है यारा ऐश कर ले। अरे नजर तो देख, कमर तो देख, जा रे जा उम्र तो देख। आ मेरे प्यार की अजमैश कर ले, अरे ऐश कर ले। मेरे मेरे बुढ़ापे को तू कैश कर ले, मौका मिला है यारा ऐश कर ले। सर से पांव तक तू
फिर भी देखे कमर के झटके, ये सौदा नहीं फटने वाला, तेरा टिकट है कटने वाला। ऊपर वाला तुझे पुकारे, अल्लाह अल्लाह कर तू जा रे, अल्लाह अल्लाह कर तू जा रे। अल्लाह के नाम पे बाहों में भर लूं, मौला के नाम पे प्यार तुझे कर लूं, ना हो यकी तो आजमाइश कर ले, अरे ऐश कर ले मेरे मेरे बुढ़ापे को तू कैश कर ले, मौका मिला है यारा ऐश कर ले। आज भी तुझे ऐसे जलवे दिखा दूं, आज भी तुझे ऐसे जलवे दिखा दूं, चार चांद तेरी मैं जवानी को लगा दूं, है चार चांद तेरी मैं जवानी को लगा दूं। बड़ा हसीनों से जब पाला, सबके दिल को खुश कर डाला, ए बड़ा हसीनों से जब पाला, सबके दिल को खुश कर डाला। मिले बुढ़ापे से जवानी, बन जाएगी नई कहानी, आंखों में वो सपने भर दूं, मनोकामना पूरी कर दूं, मनोकामना पूरी कर दूं। चैन न दूं, करार न दूं, दिल भी न दूं, मैं प्यार न दूं, और जो भी चाहे फरमाइश कर ले, फरमाइश कर ले मेरे मेरे बुढ़ापे को तू कैश कर ले, मौका मिला है यारा ऐश कर ले। इसमें छुपे कई तूफान, देख बुढ़ापे की तूशान, बरसों तक ये रहे जवान। क्या समझी? अरे आशिक सौदाई, तेरी शामत है आई, जवानी है कयामत, बुढ़ापा तू है लानत, उम्र की शाम मगरूर जवानी, अरे गुमनाम कहानी, ये चेहरे का उजाला, जुल्फ का रंग ये काला, ये पलकों की कमाने, ये आंचल की उड़ाने, अरे बदमस्त हसीना, हया का ये पसीना, ये एक दिन बह जाएगा, यही सब रह जाएगा, यही सब रह जाएगा, यही सब रह जाएगा। हुस्न का रंग अनोखा, मगर दो दिन का धोखा, भरी है इसमें मस्ती, मिटने वाली हस्ती, जवानी एक नशा है, जवानी एक दगा है, जवानी एक वफा है, अरे बुढ़ापा तो खुदा है, जवानी एक नजारा, बुढ़ापा है सहारा, जवानी बहती धारा, बुढ़ापा है किनारा, जवानी चांदनी है, बुढ़ापा रोशनी है, जवानी से जहां है, मगर रहता कहां है बोल, मगर रहता कहां है क्यों, तेरी अब बंद जबां है बोल, मगर
कहता कहाँ है बोल। अरे इसीलिए तो कहता हूँ, मेरे बुढ़ापे को तू कैश कर ले, मौका मिला यारा ऐश कर ले, मेरे बुढ़ापे को तू कैश कर ले, मौका मिला यारा ऐश कर ले। Come on. अरे खुशी के मौके पर आप करके मेहरबानी करके आप खामोश रहिए। अरे भाई इन्हीं को पकड़ लिए तो मौलाना कमाल है। शुक्ला जी यही राजा डाकू है, मैं आपको इसका असली हुलिया दिखाता हूँ। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अरे मेरे घर चोरी हो गई, डाका पड़ गया, मैं खासदार हो गया, सब लुट गया, मैं लुट गया। अरे ऊपर वाले तेरा भी जवाब नहीं, क्या आलीशान सवारी भेजी है तूने, आज तो चंपा भाई का मुजरा सुनने इसमें बैठ के जाएंगे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मेरा जल्दी से ठीक कर डालो। ठीक कर डालो पियानो। पियानो? हाँ हाँ जरूर कर देते, कहाँ है पियानो? आइए। हरी किससे बातें कर रहे हो? मेम साहब पियानो ठीक करने वाला आया है। पियानो? अरे आप, अरे इधर तो हमारे मेहमान है, चाय चाय लाओ। जी चलिए। आपको देखकर कुछ जल रहा है? कौन जल रहा है? नहीं मेरा मतलब जलने की बू आ रही है। अरे हाँ मैं तो कपड़े हैंग कर रही थी। अरे 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 ये देखिए क्या हो गया। आइए। मेम साहब डीएसपी वर्मा साहब आए हैं। अच्छा उन्हें बैठने से बोलो, मैं अभी आई। अरे क्या बात है अंकल, आज तो आप पूरी बटालियन के साथ। एक बड़े खतरनाक बदमाश का पीछा कर रही हैं। थोड़ी देर पहले तो कोई यहाँ नहीं आया। थोड़ी देर पहले? हाँ आए तो हैं। कौन है वो, कहाँ है वो? लेकिन वो खतरनाक बदमाश नहीं, एक महान हस्ती है। क्या मैं उस महान हस्ती के दर्शन कर सकता हूँ? हाँ जरूर आइए। आओ जोहान। सर वो मोटरसाइकिल वाला बदमाश पकड़ा गया। कहाँ? पुलिस स्टेशन। सर माफ करना बेटी, मुझे फौरन पुलिस स्टेशन जाना। आप मिलकर तो जाइए उन्हें, फिर कभी मिल लूंगा। आओ जोहान। कौन था? पुलिस ऑफिसर, हमारे पहचान के थे, एक बहुत बड़े चोर को पकड़ने आए थे। ओ, तो बिना चोर पकड़े ही चले गए? यहाँ चोर कहाँ है? है तो सही, सामने खड़ा है आपके। आप चोर हैं? हाँ क्यों, चोर नहीं लगता आपको? सच मानिए मैं चोर ही हूँ, क्यों आपको झूठ लग रहा है? नहीं झूठ तो नहीं लग रहा, चोर तो है आप मगर छोटे चोर। हाँ? लोगों के दिल चुराते हैं। अरे मेरा मेरे को बाहर निकालो। उधर माय बाप, मैंने कुछ भी नहीं किया, माय बाप मुझे छोड़ दो, ये साहब तो मुझे जानते हैं। सर ये तो बल्लू नहीं है। हाँ साहब आपकी हजामत तो मैंने कई बार बनाई है, लेकिन आज पुलिस वालों ने मेरी हजामत बना दी। तुमने शराब पी रखी? हाँ साहब पी ली, लेकिन ये आगे सब उतर गए माय बाप। छोड़ दो इसे। ओ बहुत लोकर कड़ा। इसका मतलब ये है कि राजा अभी तक उस इलाके में है। हेलो हाँ दादी क्या बात है? अरे बड़ी बुरी खबर है, दौलत राम को हार्ट अटैक हो उसकी डेथ हो गई। क्या कह रहे हो आप? हाँ बेटी मैं इधर इंतजाम करने जा रहा हूँ, तुम जल्दी चली आओ।
अच्छा मैं भी आती हूँ। क्या बात है, क्या हुआ? आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आप चलिए मेरे साथ। जिस बदमाश ने इस घर को बर्बाद किया है उसका कभी भला नहीं होगा। लोग ऐसा क्यों करते हैं? दो रोटी के टुकड़ों के लिए भगवान ने दो हाथ दिए हैं, क्या मेहनत मजदूरी करके अपना पेट नहीं भर सकते? लोगों का खून पीकर जीना चाहते हैं, क्या जिंदगी है ये? लोगों का खून पीकर जीना आज के बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, आज के बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। माफ कीजिएगा, गीता आपका नाम है? जी हाँ, कहिए क्या काम है? गीता देवी, मैं बहुत बुरा आदमी था, पैसे को जान देता था। पैसे को जान देने वाला बुरा ही होता है ना, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, बस पैसा जमा करना ही मेरी मकसद जिंदगी था। फिर आपका नाम सुना, आपके ख्याल जाने, तो यह बात का एहसास हुआ कि गरीबों की मदद करना हर इंसान का फर्ज है। ये 10 लाख रुपए मेरी सारी उम्र की पूंजी है, मैं चाहता हूं आप इन रुपयों को किसी अच्छे काम में लगा दें, मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं, अगर सभी अमीरों के विचार ऐसे हो जाए तो हमारे देश का भविष्य ही बदल जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपने मेरा सब कुछ बदल दिया है। अच्छा मैं चलता हूँ, आप अपना नाम तो बताइए। आप इसे गुप्तदान समझिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप एक कप चाय तो पीते जाइए। प्लीज बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। आदाब। आदाब आप। हेलो अंकल। हेलो, ये हमारे अंकल हैं। अंकल ये एक बहुत ही दानी पुरुष हैं, इन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी, लेकिन गुस्ताखी माफ, आप चेहरे से कुछ परेशान नजर आ रही हैं। आदत है, जब भी कोई मुजरिम हाथ से भाग जाता है बस परेशान हो जाते। नहीं बेटी गीता, मुजरिम नहीं, मेरी जीवन साथी, मेरी पत्नी, मुझसे दूर भाग जाना चाहती है। क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, जब से हमारा बेटा राम घर छोड़कर गया है उसकी सेहत दिन ब दिन खराब हो गई, और अब तो हालत इतनी खराब होती जा रही है कि मुझे भी डर लगने लगा है। बार बार दौरा पड़ता है, बहकी बहकी बातें करती है, मैं मर गई तो मेरा बेटा मुझे अग्नि देने जरूर आएगा। ना ठीक तरह से खाती है, ना सोती है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने भी तो नहीं देती, बस एक ही रट लगा रखी है कि जिस दिन मेरा राम मेरे गले से लग जाएगा उस दिन मेरे सारे रोग भाग जाएंगे। राम ही उसका जीवन है। बेटी मैं तुम्हें यही कहने आया था, कभी कभी जाकर अपनी आंटी से मिल लिया करो, शायद तुम्हें देखकर उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। हाँ अंकल, मैं जरूर जाऊंगी, कल ही जाऊंगी। थैंक यू। अच्छा गीता देवी, मैं चलता हूँ। परेशान न हुई डीएसपी साहब, अल्लाह ने चाहा तो आपका राम आपको जरूर मिल जाएगा। आदाब।
माँ। मैं आ रही हूँ माँ। मैं ही हूं तुम्हारा राम। राम मेरे बच्चे, कहां था तू इतने दिन, कहां था भूल बैठे? तुझे तुझे अपनी माँ की जरा भी याद ना आई? कहां था मेरे बच्चे? डीएसपी वर्मा। हेलो, मैं शांता बोल रही हूँ। अरे शांता, ये तुम्हें जिंदगी में आज पहली दफा टेलीफोन करने की क्या सूझी? आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूँ। अच्छी तरह से सुन रहे हैं ना? अरे सुन तो रहा हूँ, बोलो ना। अच्छा मैं कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? अरे सुन तो रहा हूँ, अगर तुम्हें इतना ही चिल्लाना था तो फिर टेलीफोन क्यों किया? वहीं से बोलती साफ सुनाई दे जाता। अच्छा सुनिए, वो अपना बेटा राम है ना, राम वो आ गया है। राम? अरे राम आ गया, कहाँ है राम? यही खड़ा है मेरे पास में। अरे अरे तो टेलीफोन दो ना उसे। नहीं नहीं मैं फोन नहीं दूंगी, आप जल्दी से घर आ जाइए। सुन लिया ना आपने? आता हूँ। चल जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। चल साहब, आज गजरा नहीं लेंगे? अरे गजरा हाँ, धो दे दे धो। दूसरे किसके लिए? वो मेरा बेटा घर आ गया है। बेटे के लिए? अब अच्छा एक ही दे दे, एक ही दे दे, पैसे सारे ले जा, चल एक ही दे दे। हाँ चल जल्दी चल। कैसा तेरा दिया? पाँव छूता है, इतने साल से कहाँ था, कहाँ भाग गया? कभी फिर भाग कर गया तो इतने जोर से मार नहीं, मारूं कैसे, मार कैसे सकता हूँ? तो ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया। अच्छा अच्छा है तेरा, देखो भाई इसका, देख देख देख, अच्छा आई नहीं है। लेकिन सुन, अब तो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तेरे बगैर तेरी माँ की क्या हालत हुई ये मैं ही जानता हूँ। नहीं ऐसे नहीं, मेरे सर पर हाथ रख के कसम खा कि मेरी चिता को आग तू ही लगाएगा। माँ मैं तुझे खुशखबरी बताने ही भूल गया था। क्या क्या? वो अपना बेटा राम है ना, वो वापस आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक मुसीबत से बच गया। वो क्या? नीता के लड़का नहीं ढूंढना पड़ेगा। सुन सजना, सुन सजना, मुझे आज तुम्हें कुछ कहना है। मैं समझ गया जो कहना है, तुम मेरे दिल में रहना है। खाली खाली बोलो किस दिन आओगी, ओ दिल की दुनिया खाली खाली बोलो किस दिन आओगी। साथ ये वादा कर लो आके कभी न जाओगी। सुन गोरिये सुन गोरिये सुन गोरिये सुन गोरिये, कुछ और भी तुझसे कहना है। सुन गोरिये सुन गोरिये सुन गोरिये सुन गोरिये, आ जाना आ भी जा।
आने को तैयार हूँ जो इस बात की कसम तू खाएगा। आने को तैयार हूँ जो इस बात की कसम तू खाएगा। मेरे सिवा तेरी दुनिया में और न कोई आएगा। सुन सजना सुन सजना ए सुन सजना सुन सजना मुझे आज तुम्हें कुछ कहना है। मैं समझ गया जो कहना है सुन मेरे दिल में रहना है। नहीं माँ, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। लेकिन राम, तेरे पिताजी ने तो बचपन से ही राय साहब की लड़की पसंद की हुई है। तुमने लड़की देखी नहीं ना, इसीलिए ये कह रहा है। एक बार लड़की देख लेगा तो तेरा इरादा बिल्कुल बदल जाएगा। नहीं माँ, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? बात बस माँ, तुम ये जान लो मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। जब राम ही इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? बड़ी मुसीबत में डाल दिया है तुम माँ बेटे ने। अब मैं किस मुंह से उसको जवाब दूंगा? बचपन से ही ये रिश्ता तय हो गया था। राम कहाँ है? वो सुबह से ही कहीं बाहर गया हुआ। हम तो अंदर आ गए हवलदार। अरे नमस्ते भाभी। नमस्ते बेटा। राम कहाँ है? अरे वो गीता को बिठाओ तो सही। हाँ इधर मैं सर। बस वो अब गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? वो अपना राम है ना, राम उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं। हंसता है, पागल हो गया है क्या? गीता को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं। सच सच तो गिला। जब तू आया तो तू सीरियस क्यों नहीं था? मुझे देखा मैं कितना सीरियस था, कितने दुख हो रहा था, कुफ्त हो रही थी। अरे जवान लड़के लड़की को बातों को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुद सीरियस नहीं होते। अरे तो तूने पहले क्यों नहीं बोला मुझे? अरे राम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अंकल मैंने आपसे कहा था ना एक समाज सेवक के बारे में, वो यही महान हस्ती है। अच्छा, लेकिन ये महान हस्ती इस महान हस्ती का बेटा है। अरे ये राम है क्या? हाँ। ये वही राम है। मैंने तो इतना छोटा सा देखा था। ये वही बचपन की गीता। गीता मेरी बेटी। अंकल आप बैठिए ना, आप बैठिए। बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि शादी तुम्हारे साथ तय कर रहे हैं। मैंने साथ इनकार कर दिया। मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने भी इनकार कर दिया। अब क्या करें? ऐसा करते हैं, दोनों बुढ़ा को मनाते हैं। पिताजी करना कर बेटा, मैंने इनसे कह दिया कि मेरे बेटे को ये रिश्ता बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी बेटी भी तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करना चाहती। क्या? हाँ तो ठीक है, एसपी का बेटा है, हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। अरे मेरी लड़की के लिए लड़कों के लाइन लगा दूंगा मैं। अरे हाँ लगा दो, अंग्रेजों की झोली उठा उठा कर राज साहब बन गए। एसपी रिश्वत खिला खिला के तुम ऑफिसर बने हो समझे? अरे तुम क्या हो, क्या समझते हो अपने आप को? हवलदार। तू जमादार है। हवलदार। तू जमादार। वो हवलदार है। तू जमादार। अरे अब आपको क्या हो गया है? जब लड़का लड़की मान रहे तो आप क्यों नहीं मान रहे? कौन नहीं मान रहा है? ये शादी के लिए अरे जरा बड़ी इस्तेमाल कर रखना। अरे हाँ बेटा है तो बड़ी, ये बड़े आदमियों की चीने भी बड़ी होती है। अरे सबको मुंह मीठा कराओ, जाओ जल्दी से। सुनो इसके लिए कड़वा पानी, मेरे लिए कड़वा पानी, इसके लिए गर्म पानी। तुमने क्या कर रहे हो? सुन सजना कुछ और भी तुझसे कहना है। अरे अब क्या कहना है? अब तो बाजा बजेगा, शहनाई बजेगी। अच्छा। अब तो बाजा बजेगा, शहनाई बजेगी। मैं दूल्हा बनूंगा, तू दुल्हनिया सजेगी। अब तो बाजा बजेगा, शहनाई बजेगी। Thank you.
थाम लिया तेरा हाथ, चाहे दिन हो या रात, तू है जिंदगी के साथ। अब तेरी मेरी जोड़ी गोरी खूब सजेगी, अब तो बाजा बाजा, अब तो बाजा बजेगा, शहनाई बजेगी। आँखों में छुपाऊं मैं, गले जैसे लगाऊं, अपनी बाहों में झुलाऊं, तेरे आने से घर में दिवाली जगेगी, अब तो बाजा बोल, अब तो बाजा बजेगा, शहनाई बजेगी, अब तो बाजा बजेगा, शहनाई बजेगी। बेटा राम जी, वो शादी के कार्ड देखे? जी हाँ। अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं। बहू के आ जाने से ये घर स्वर्ग बन जाएगा। हाँ, कम से कम खाना तो अच्छा मिलेगा। क्या इसका मतलब है अभी तक अच्छा खाना नहीं मिलता था आपको? अरे अच्छा मिलता तो अब तक आईडी ना हो जाता। हम नहीं बोलते आपसे। अरे चौहान आओ 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 आओ। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बैठो। अरे आई एम सॉरी, ये मेरा बेटा राम, इंस्पेक्टर चौहान। नमस्ते जी। नमस्ते, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे इनको प्लेट दो ना। हाँ, खाना। नो सर थैंक यू, मुझे जरा जल्दी है, मैं आपको फाइल देने आया था। फाइल ऐसा करो मेरी अलमारी में रख दो। जी वो मेरी अलमारी है ना। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम? हाँ, सोचा तुम तो मिलने आओगे नहीं, हम खुद ही चल के मुबारकबाद दे आए। देखो सुंदर, मैं अपनी पिछली जिंदगी भूल चुका हूं, बेहतर यह है कि तुम यहां से चले जाओ और आइंदा यहां आने की कोशिश भी मत करना। सुनो राजा, बकवास मत करो, मैं राजा नहीं राम। हाँ राम, डीएसपी वर्मा का इकलौता बेटा, राय बहादुर शुक्ला का होने वाला दामाद, कितनी बड़ी हैसियत हो गई है तुम्हारी, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं एक छोटा सा काम कराने के लिए। क्या? तुम्हारे बाप की किसी अलमारी में मेरी एक फाइल है जिसमें मेरे पुराने रिकॉर्ड और सबूत है, वो फाइल मुझे चाहिए। आराम साधे, मैं तेरी जान ले लूंगा। क्यों अपने सरे खून का इल्जाम लेते हो? अगर मुझे वो फाइल न मिली मैं तो यूं ही मर जाऊंगा, मगर मरने से पहले मेरा एक बयान तुम्हारी तमाम खुशियों को तबाह कर सकता है, तुम्हारी माशों के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा कर सकता है, तुम्हारी माँ की हस्ती हुई जिंदगी में फिर से आंसुओं का तू। और ये सब करने के लिए मुझे सिर्फ इतना बताना होगा कि तुम राजा हो, एक मुजरिम जिसको पकड़ने के लिए तुम्हारा बाप डीएसपी वर्मा आज तक बेचैन है। राजा मुझे वो फाइल चाहिए कल सुबह मेरे अड्डे पर। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, और तुम्हें हजारों गुनाह छुपाने के लिए एक गुनाह और करना होगा। तो
एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और तुम्हें हजारों गुनाह छुपाने के लिए एक गुनाह और करना होगा। तुम्हारी फाइल और इसके बाद मेरी तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। बॉस, मेरा ख्याल है। मैं जानता हूं, पुलिस वाले का बेटा है, सांप का बच्चा है, कभी ना कभी हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसे खत्म कर दो। मैं तुम्हारी कोई पसंद नहीं हूँ, इससे बढ़कर खुशी
लिए और क्या हो सकती है? देखा दोस्त, दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। यार अमलदार, एक दिन कहा था ना यार से कुछ और बन जाए। फरमा साहब, एक बात कहूँ? फरमाइए। इतनी बड़ी महफिल, आप दो यार, कुछ रंग नहीं जमा। ये बात है। हो जाए भाग दौड़, हो जाए धूम धड़क का। हम बचपन के दोनों यार, हम बचपन के हैं दोनों यार, यार से बन गए रिश्तेदार। हम बचपन के हैं दोनों यार, ये है जिंदगी मैं हूँ प्यार, ये दिल भर और मैं दिलदार। अब कप्तान बना बैठा है कल तक था ये थानेदार। हम बचपन के हैं दोनों यार। बड़ी खुशी की आज है आई, तुम के दिल ने ली अंगड़ाई। नाचेंगे दो यार देख के नाच उठे संसार, जैसे महफिल में परवाना, जैसे गलियों में दीवाना, जैसे पायल में तराना, जैसे होंठ पे अफसाना। लौट लौट कर पलट पलट कर रख रख कर भड़क भड़क कर आठ चक्कर गोल गोल नाच ले बेटा। रॉक एंड रोल रॉक एंड रोल रॉक एंड रोल। बचपन के हैं दोनों यार, यार से बन गए रिश्तेदार। हम बचपन के हैं दोनों यार। आज का दिन है बड़ा महान, पूरे हो गए हैं अरमान। आज बड़ी है मेरी शान, ऐसी यारी पे कुर्बान। अब आहों में बाहे डाल नाते देकर दोनों ताल, मैं तुझको तू मुझे धमाल, ऐसा कर दे कोई कमाल। ढलक ढलक कर पिसल पिसल कर मचल मचल कर चल कर महफिल में हो जाए अचंबा, नाच ले बच्चू रंबा संबा रंबा संबा रंबा संबा। बचपन के हैं दोनों यार, यार से बन गए रिश्तेदार। हम बचपन के हैं दोनों यार। आहा, आहा।
दुल्हनिया पतली कमर लचकाए, दुल्हनिया पतली कमर लचकाए। संभल संभल कर देख देख कर सोच सोच कर कदम उठाना, मोच कहीं ना आ जाए, दुल्हनिया पतली कमर लचकाए, दुल्हनिया पतली कमर लचकाए। तेरी बुलबुल सी जवानी हाँ, मुँह में आया पानी हाँ, तेरे माथे को चूम लूँ, तेरी बाहों में झूम लूँ। अरे शरारत करते हो, मक्ती चाल पे सजते हाँ, गुलाबी खाल पे सजते हाँ, पुराने माल पे सजते, साठ में साल पे सजते। अरे हट, तू हो जा मुझ पे सजते, मैं हो जाऊँ तुझ पे सजते, हो गया तुझ पे सजते, तू हो जा मुझ पे सजते, तू हो जा मुझ पे सजते। हम बचपन के हैं दोनों यार, यार से बन गए रिश्तेदार। हम बचपन के हैं दोनों यार। अरे अरे अरे, मुझे 50 से 60 का बना दिया। इसकी शादी में देखो कितने जोर से नाचा था। सर अरे आओ, आज मैं ऑफिस में नहीं हूँ, आज तो मेरे बेटे की शादी है। आओ सर, आपसे एक जरूरी काम है। हाँ बोलो। आप मेरे साथ आइए। अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई? उसमें मैं अभी आता हूँ, आओ। बड़े आदमियों की चीनें भी बड़ी होती हैं। क्या किस्सा है, सगले यूनिफॉर्म पहन लिए तुमने? राजा ये राम का लिबास उतार दो। चौहान गिरफ्तार कर लो। खैरो भाई, हालदरी क्या ड्रामा कर रहे हो? ये ड्रामा नहीं है, हकीकत है। यही राजा है, चोर चाकू बदमाश ठोंगी। ये आपको हो क्या गया है? ऐसी खुशी के मौके पर आप ऐसी मनहूस बात कर रहे हैं। तुम ये नहीं सोच रहे कि राम तुम्हारा बेटा ही नहीं, मेरा दामाद भी है। राम सिर्फ एक मुजरिम है, ना वो किसी का बेटा है, ना किसी का दामाद, और ना किसी का। माफ करना बेटी, मुझे नहीं मालूम था कि हम सबके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। मेरे बेटे को हथकड़ी पहनाने से पहले आपको मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। शांता, क्या इसी दिन के लिए भगवान से अपने राम को वापस मांगा था? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे राम को छोड़ दीजिए। मैं अब उसके बिना जी नहीं सकूंगी। भगवान के लिए हट जाओ मेरे रास्ते। वर्मा, मैं जमानत देने के लिए तैयार हूँ। कितनी जमानत चाहिए? 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000? जमानत सिर्फ कोर्ट में हो सकती है। इससे तो अच्छा था राम वापस ही ना आता। अभी बेटे की टोली भी घर तक नहीं पहुंची और आप उसे हथकड़ी पहनाना चाहते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। मुझे कितना दुख होगा जब सारा पुलिस डिपार्टमेंट आप पर उंगली उठाएगा और कहेगा कि मिस्टर वर्मा ने राजा को मैं इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि वो उनका अपना खून है। सर, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अपने खून में कैंसर है।
मैं कसम खाता हूं जल्द से जल्द मुजरिम को कानून के हवाले कर दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। आई जी हियर। क्या कब? अभी? ओ माय गॉड। वर्मा, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। गम जैसा भी हो मेरे दोस्त, उसे सहना ही पड़ता है। अब मैं जा सकता हूं प्लीज? जाने लेंगे आप? आज मैं खास माजी के लिए अपने हाथों से बना के लाई हूं। आज के बाद माजी को गजरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कभी आवाज न देना। गजरा लाना कभी नहीं भूलते। जब तक जान में जान है तब तक तो गजरा लाना नहीं भूल सकते। गजरा तो आज भी लाया हूं लेकिन जान में जान नहीं। क्या बात? बिरादर एक बहुत मनहूस खबर है। क्या? तुम्हारा मां? क्या हुआ मेरी मां का? तुम्हारा मां इस दुनिया में नहीं है। हिम्मत रखो दोस्त, हिम्मत रखो। नहीं, ऐसे नहीं। मेरे सर पर हाथ रख के कसम खा कि मेरी चिता को आग तो नहीं लगाएगा। किधर जा रहे तुम? मैंने मां को वचन दिया था कि उसकी चिता को आग नहीं लगाऊंगा। लेकिन वहां पुलिस का बहुत सख्त पहरा होगा। तुम अपना वचन दिया ना? तुम जाओ बिरादर, खुदा तुम्हारा हिफाजत करेगा। ओम यदस्य कर्म नो करेर चम यदवा नून मिहा करम अग्निष्ट शिष्ट कृत विद्या सुहुत होते होते नाम कामानाम समर्दयत्रे सर्वानाम स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा इंद्रे नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमम। ओम भूर्वाय स्वाहा इदं वाय नमम। मुझे माफ कर देना मां। एसपी साहब, समय हो गया है, आप अग्नि दीजिए।
एक बज रहा है और तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। वाह, आपके बिना कैसे खा ली थी? लाख दफा कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करो। जिस दिन मैं नहीं रहूंगी ना इंतजार करने के लिए, उस दिन याद आएगी आपको मेरी। अरे भाई, मेरी तो पुलिस की नौकरी है, कदम कदम पर खतरा रहता है, और जिस दिन मैं ना हुआ तो फिर किसका। ऐसी बातें नहीं करते, मैं सुहागन हूँ और सुहागन नहीं जाऊंगी इस दुनिया से। हाँ, सुहागन नहीं जाऊंगी, मैं भी पुलिस में हूँ, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये देखिए, गजरे से बांध कर रखूंगा तेरे को, जाएगी कहाँ तू? मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप क्या लेने आए हो? मैं जानता हूँ गीता, तुम मुझसे नफरत करती हो। नफरत? तुमसे नफरत कौन नहीं करेगा जिसने कई भोले भाले इंसानों को धोखा दिया है। तुम ठीक कहते हो गीता, मैं बुरा था, धोखेबाज था, बचपन से ही बुरी आदतों का शिकार होकर घर से भाग गया था, मजरिम बनकर कईयों को लूटा, फिर अचानक तुमसे मुलाकात हुई तो जिंदगी का दूसरा रूप नजर आया। तुम्हारे प्यार के धागों ने जुर्म की जंजीरों को जिसमें जकड़ा हुआ था धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। और एक दिन, तुम्हें याद होगा गीता, मैं मौलाना के भेस में आया और पाप की पूरी कमाई का रुपया दान कर दिया। उसी वक्त मुझे पता चला मां की हालत बहुत खराब है। मैं घर चला आया, सोचा मां की सेवा करूंगा और तुम्हें अपनी बीवी बनाकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पुराने कानूनों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मेरी सारी खुशियां तबाह कर दी। ना तो मैं तुम्हें अपनी बीवी बना सका और मेरी मां, जिसको मैं जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहता था, मुझे छोड़कर चली गई। गीता, मैं तुमसे यही कहने आया था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए किया। पर मां, गीता जनक कल से गायब है। क्या? मेरा ख्याल है तुम्हारा बेटा राम उसे ले गया। घबराओ नहीं, मैं कसम खाता हूं कि गीता को वापस ला कर रहूंगा। गीता, तुम यहां? अग्नि को साक्षी रखकर जिसके साथ मैंने सात फेरे लिए हैं, कानून की नजरों में वो कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, मेरा तो वो पति है। यही तो मुश्किल है गीता, तुम्हारे प्यार ने मुझे बड़ा मुजरिम नहीं बनने दिया और कानून मुझे तुम्हारा पति बनने नहीं देगा। जिस प्यार ने तुम्हें मुजरिम बनने से रोक लिया, वही प्यार आज तुम्हें अपना पति स्वीकार करता है। तुम नहीं जानती इसका अंजाम क्या हो सकता है, आज नहीं तो कल मैं कानून के शिकंजे में आ सकता हूं। कानून तुम्हारे साथ क्या करेगा ये मुझे नहीं मालूम, मुझे बस इतना मालूम है कि सिर्फ मुझे अपना बनाने के लिए तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर मैं भी तुम्हारी नहीं बन सकी तो मुझे लगेगा कि सारा दोष मेरा ही था। हाँ राम, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। जीवन की राह में हम दोनों मिलकर चलेंगे तो दुख कम हो जाएंगे। राम, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, एक नया संसार बसाएंगे जहाँ तुम्हारी बीती हुई जिंदगी का कोई भी काला साया तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। साथ ही जाएंगे, साथ ही मरेंगे।
खबरदार, अगर किसी ने हमारा बिरादर को हाथ लगाने का कोशिश किया, खबरदार इंस्पेक्टर हिल नमत, नहीं तो खान का सर पे खून का इल्जाम चढ़ जाएगा। बिरादर तुम जाओ, बिरादर फिक्र मत करो, हमारा जीप लेके सरहद पार हो जाओ। फायर! तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। कौन से रास्ते का बात करता है इंस्पेक्टर साहब? तुम एक मुजरिम को भागने में मदद कर रहे हो। वो मुजरिम होगा तुम्हारा रास्ते, हमारा दोस्त है, बिरादर है वो। तुम नहीं जानते हो तुम कानून के रास्ते में रुकावट बन रहे हो। हम कुछ नहीं जानते इंस्पेक्टर, हम सिर्फ इतना जानता है कि हम अपने दोस्त के लिए अपना जान भी दे सकता है, और जो हमारा दोस्त का जान लेने की कोशिश करेगा, खुदा कसम हम उसका जान ले सकता है। इंस्पेक्टर हम तुमको आखिरी मौका देता है, हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं खुदा कसम बुन कर रख देगा तुमको। अल्लाह तू गवाह है ना, हमने अपना वादा निभा दिया है, अब दोस्त के लिए अपना जान दे दिया है।
चार कदम चलने के बाद मैं आपकी सरहद फाड़ कर जाऊंगा। नहीं राम, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आप मुझे नहीं मार सकते, आप मेरे पिता हैं। और उसके साथ साथ ये ना भूलो कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम एक मुजरिम। राम, मैं कहता हूँ रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। राम, राम, वर्मा साहब, आपके बेटे का ऑपरेशन कामयाब हुआ, आपको कोई खतरा नहीं। डैडी, मैं मिल सकती हूँ? अभी नहीं, उन्हें होश में आने के लिए 2 घंटे और लगेंगे। राजा ने आज तक जितने भी बड़े बड़े डाके डाले, जो कुछ भी किया, लेकिन आज तक उसके हाथों किसी का खून नहीं हुआ। लिहाजा अदालत इन सब हालात पर गौर करते हुए मुजरिम राजा को 5 साल कैद की सजा देती है। जीते रहो, आज मेरा राम मुझे वापस मिल गया। बेटा, वापस आकर मेरा कारोबार तुम्हें संभालना है, याद रखना। और ये क्या, अभी तो अपनी नई जिंदगी शुरू होगी। रहे 5 साल, वो तो यूं खत्म हो जाएंगे। सुन सजना, सुन सजना, सुन सजना, सुन सजना, मुझे आज तुम्हें कुछ कहना है। मैं समझ गया। About 1, 2, 1, 2, 1, 2.